आज मैं लेके आ चुका हूँ शार्क टैंक इंडिया के ये सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स और मैं ढूंढ रहा हूँ शार्क टैंक इंडिया का बेस्ट फूड प्रोडक्ट और इन सबको मैं आज टेस्ट करूंगा, इनको रिव्यू करूंगा, इनके दाम को देखूंगा, प्लस इनके जो मार्केट में दूसरे पॉपुलर काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी टेस्ट करूंगा और कंपेयर करके इनको 10 में से मार्क्स दूंगा। लेकिन उससे पहले ये एक कंपनी है ट्रम्प्स, ये इंटेलिजेंट टी शर्ट्स बनाते हैं और ये शार्क टैंक इंडिया में आ चुके हैं। तो इनका दावा यह है कि इनके टी शर्ट्स पे कुछ भी डाल दो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो चाय हो, इस पे दाग नहीं लगेगा। तो आज का पूरा वीडियो मैं ये पहन के शूट करूंगा, जो भी टेस्ट करूंगा उसको इसके ऊपर गिराऊंगा और वीडियो एंड होने तक देखेंगे कि इस पे कोई दाग बचता है या नहीं। तो आ चुका हूं मैं ये वाली टी शर्ट पहन के और सबसे पहला हमारा कंपनी है शेफलिंग, ये डू इट योर सेल्फ खाना प्रोवाइड करते हैं। एक है मेरे पास सुशी किट, एक है मेरे पास कोरियन गोचुजांग रामेन किट, ये दोनों मैं बनाऊंगा फिर टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसा बनता है। इसकी पैकेजिंग बिल्कुल बेकार है, आते टाइम में पूरा खराब हो चुका है। ये हमारा सुशी का किट, बाहर जितना अच्छा इनने पैकेट बनाया है, डिजाइन कराया, अंदर का उतना खास नहीं लगा। अब देखते हैं रामेन किट के अंदर क्या निकलता है, मैं गेस करता हूँ रामेन निकलेगा। तो रामेन और ये राइस, ये दोनों बनाने देके आते हैं, जब तक ये बनता है दूसरे प्रोडक्ट को हम लोग रिव्यू करते हैं। ये है गुड गम और ये क्लेम करते हैं कि इनके च्युइंग गम शुगर फ्री, प्लास्टिक फ्री, वीगन, 100% नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल है। एंड में मैं इनको कंपेयर करूंगा हमारे पॉपुलर बूमर के साथ। सबसे पहले ये वाला फ्लेवर लेते हैं, ये है हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इसके अंदर दो चीजें अलग अलग कलर में, ये वाला अलग कलर है, ये अलग कलर है। अभी से बायोडिग्रेड हो रहा है क्या, इसको ट्राई करते हैं। टेस्ट अच्छा है बट हार्ड है। अब तुम सोच रहे होगे कि ओए होए ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पॉपकॉर्न कंपनी के मूवी नाइट वाला पॉपकॉर्न, डू इट योरसेल्फ वाला पॉपकॉर्न कर्नल्स। तो इसे हम बनाएंगे, सारे डिफरेंट सीजनिंग्स को ट्राई करेंगे और देखते हैं कि इनका ये पॉपकॉर्न कैसा है। और ये बन चुका है हमारा पॉपकॉर्न और ये तो पूरा हरा भरा बना है। पैक में हमारे पास चार लोगों के लिए ये कंटेनर्स भी आए हैं, क्योंकि मूवी नाइट ऑब्वियसली अकेले नहीं देखोगे। ये पॉपकॉर्न कंपनी डू इट योरसेल्फ वाले पॉपकॉर्न तो बनाते ही हैं, ऐसा रेडीमेड फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न्स भी बनाते हैं। इसके साथ साथ इन लोग कॉटन कैंडी भी बनाते हैं। रेडी टू ईट में हमारे पास एक्ट टू जो एक पॉपुलर ब्रांड है, मेरे पास ये तीन फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न्स है। पहला है शिकागो मिक्स, चीजी सिराचा, कैरमल क्रिस्प, क्रंची लीची, चोको कैरमल एंड चीजी सिराचा। चीजी सिराचा दो बार आ गया मेरे पास। इस वाले में चार चार हैं, इसमें चार चार हैं। तो सबसे पहले फ्लेवर्ड वाले को टेस्ट करते हैं एंड उसके बाद इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। बहुत बेकार लग रहा चीजी सिराचा, ऐसा लग रहा पॉपकॉर्न हवा खा गया। ये कैरमल क्रिस्प भी बेकार है। दिस वन इज गुड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पिंक वाला, ट्राई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सही था बिल्कुल नहीं अच्छा। और ये हमारे पास लास्ट शिकागो मिक्स, शिकागो मिक्स अच्छा है और ये 200 रुपये का आता है। ना हमारे पास सीजनिंग्स क्या क्या है वो देखते हैं। पापड़ी चाट, पेरी पेरी, टैंगी एंड स्पाइसी बारबेक्यू, हॉट एंड स्वीट केचप, चेडार चीज़ एंड बटर सॉल्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फेवरेट पेरी पेरी, अगर ये अच्छा इनने बनाया बोनस पॉइंट में लगाया। ये टी शर्ट में तो नाक में आ रहा है ये सीजनिंग, ऐसा लग रहा है मिर्च पाउडर दे दिया, सीजनिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं है। नाउ पापड़ी चाट, कुरकुरे का पॉपकॉर्न आता ना, सेम टेस्ट सेम खुशबू। टैंगी एंड स्पाइसी बारबेक्यू, ये खराब निकलेगा मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जिस कंपनी का नाम पॉपकॉर्न कंपनी है उसका बेस्ट प्रोडक्ट उनके कॉटन कैंडी होंगे। गरम मसाला, गरम गरम मसाला ही है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक साइड अपना हॉट एंड स्वीट केचप, ऐसा लग रहा सूखा केचप खा गया। फाइनली बटर सॉल्टेड, इसमें तो कुछ खराब हो नहीं सकता, सीजनिंग भर के कर दिया हूँ मैं, कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचा। नॉर्मल है, मेरे को बेस्ट अभी तक लगा पापड़ी चाट। अब ये हमारा एक्ट टू का नॉर्मल पॉपकॉर्न, इतना सब फ्लेवर के बाद ये पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा लग रहा मुझे इनका। ये चेक कर लेता है, हो सकता है ये इनको बचा ले। सबसे पहले लीची, ये डब्बा आता है 100 रुपये का, बढ़िया भाई। इनका नाम है पॉपकॉर्न कंपनी और इनका अब तक का बेस्ट प्रोडक्ट मेरे को कॉटन कैंडी लगा। ब्लूबेरी फ्लेवर, ये भी बढ़िया, ये नहीं अच्छा। फाइनली ये डब्बा एक बार देख लेते हैं इसका क्या दाम है, 550 रुपये का ये, इसलिए इसको मैं दूंगा 10 में से पूरे 4 मार्क्स। हमारी नेक्स्ट कंपनी है माविस कम्बुचा, ये कम्बुचा बेचते हैं और वो भी अलग अलग फ्लेवर्स में। पहला फ्लेवर है हमारे पास जामुन, दूसरा है जिंजर हनी कोकम, देन हॉप्स और ये ब्लूबेरी रोज। कम्बुचा वैसे हेल्थ के लिए अच्छा होता है बट टेस्ट भी होना चाहिए अच्छा। एक बोतल का दाम है 220 रुपये, फिजी ड्रिंक है तो बोतल हिलाना मत, पता नहीं कितना ज्यादा हिल गया होगा।
इसके अंदर बेरीज रखी हुई है जो फर्मेंट हुई होंगी, तो वो सारा उठ के आ रहा है। इसको हम लोग ट्राई भी करेंगे और इसको हम लोग इस टी शर्ट पर डाल के भी देखेंगे कि टी शर्ट में दाग होता है कि नहीं। कोकम को खोलते हैं, देखते हैं। एंड नाउ हॉप्स, टेस्ट टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सारा माल मसाला बाहर आ गया है, इसका टेस्ट करते हैं। ये है ब्लूबेरी अपना। कम्बुचा के हिसाब से टेस्ट अच्छा है, बट कम्बुचा का टेस्ट ऑलरेडी बेकार होता है। हनी जिंजर, ये अच्छा है। जामुन सबसे बेकार। ये हनी जिंजर था, ये कोकम था। हनी जिंजर ज़्यादा बेटर है, हनी जिंजर बेस्ट। ये अभी तक सबसे आखिरी में। अब हॉप्स, बैक। जामुन से बेकार है हॉप्स। कम्बुचा के हिसाब से अगर तुम्हें कम्बुचा पसंद है, हेल्दी ड्रिंक है, तुम ये वाला ले सकते हो, जिंजर हनी, जिसका दाम है 200 रुपए। इसको मैं कितने मार्क्स दूंगा ये मुझे पता है, बट मार्क्स देने से पहले इस टी शर्ट पे इसको डालते हैं एंड देखते हैं कि ये टी शर्ट विस्टैंड कर पाता है कि नहीं। माइक बचा के। उए, कुछ नहीं हुआ, रिपेल कर दिया। गिव मी पिंक वन। ओह सॉरी। टी शर्ट अभी तक सही सलामत। और इसी के साथ इस कंपनी को हम लोग देंगे 4 मार्क्स। नेक्स्ट फ्लेवर गुडगम का है अपना, चारकोल प्लस स्पीयरमिंट। क्या पता, देखते हैं। काल, हाँ ये काले कलर का है, इसको ट्राई करते हैं। मिंट फ्लेवर है, मुंह ठंडा कर रहा है। मिंट फ्लेवर मुंह ही ठंडा करता है। ओ ओके। इनमें अभी तक इन दोनों में यही चीज मेरे को बेकार लगी कि इनका फ्लेवर बहुत जल्दी चला जा रहा है। लेट्स सी आखिरी तक कैसे दिखते हैं। ये है कब्जी, ये फ्लेवर्ड ग्रीन टी बेचते हैं। इनका पैकेज बहुत बढ़िया है। इनके पैकेजिंग का तो मैं मिनिमम 80 मार्क्स दूंगा 100 में से, क्योंकि इसको डिस्पेंसर की तरह भी यूज कर सकते हो। इनके कप में ही है पूरा फ्लेवर्ड ग्रीन टी। जस्ट तुम्हें इसमें गर्म पानी डालना है। इसके टोटल फ्लेवर्स है, एक कश्मीरी कावा जिससे मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है, दूसरा है तुलसी, तीसरा है लेमन जिंजर, चटकारा पान और आखिरी है रोज कार्डमम। इसमें प्रॉपर रोज पेटल्स है। पान की खुशबू आने ही लग गई अभी डालते साथ ही। दिस वन इज कश्मीरी कावा। अब इनको मैश तक रख के 5 बार घुमाने का है और ये बन जाएंगे। सबसे ज्यादा खुशबू पान की आ रही, पूरा महक गया है। तो अभी इनको ट्राई करूंगा और बेस्ट इस साइड वर्स्ट इस साइड। सबसे पहले है रोज कार्डमम, बढ़िया लग रहा है। रोज की खुशबू बहुत बढ़िया आई। दिस इज पान, बेकार, पता नहीं क्या ही था वो। चटकारा, ऐसा लग रहा है हाजमोला घोल दिया किसी ने पानी में, ये पान वाले से भी खराब। दिस वन इज लेमन जिंजर, पान से अच्छा है ऐसे बेकार है। तुलसी टेस्टलेस है, बट तुलसी का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है। एंड कश्मीरी कावा, इससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है मुझे। और ये उम्मीदों पे खड़ा उतरा, खड़ा नहीं खरा उतरा। ये है मेरी रेटिंग। अब ये इनमें से कहाँ जाता है वो देखते हैं। लिटरली यहाँ पर ये है मेरी रैंकिंग, बेस्ट वर्स्ट। लिप्टन आ रहा है 3rd पे। इनको तू ट्राई कर, तू बता तेरी रैंकिंग। सबसे पहले रोज टेस्टी, सेकंड तो मुझे लास्ट में गंदा पिलाना चाह रहा है कश्मीरी कावा। नहीं, रोज बेटर है, रोज बेटर है। ओके, नाउ फेवरेट। ये हाजमोला फ्लेवर, लिटरली किसी ने हाजमोला पानी में घोल दिया है। किसी ने नहीं भाई, कब्जी वालों ने। दिस वन इज आई गेस पान, हाजमोला के ऊपर की हाजमोला के बाद, हाजमोला से बेटर है। छी, ये क्या है? ये है लेमन जिंजर, इससे ऊपर है, इस पान से ऊपर है कि नीचे? नीचे। ओके, कुछ चेंज हुआ है हमारे यहाँ। एंड दिस वन इज तुलसी, ठीक है, पान से ऊपर है। हाँ। बचा हमारा लिप्टन, तुलसी से ऊपर, तुलसी के बाद, तुलसी के बाद पान के भी बाद। ये लिप्टन बहुत नीचे जा रहा है। लिप्टन 1, 2, 3, 4, 5th पोजीशन पे। टॉप कंटेंडर यही के यही है, ये चेंज नहीं हुए। और ये एक एक पैकेट आता है 120 रुपए का। एक पैकेट में 5 कप्स है, यानी एक कप 24 रुपए का। उसके अकॉर्डिंग अगर ये दो फ्लेवर लेते हो और ग्रीन टी पीना है, ये ले सकते हो। ये दोनों वैल्यू फॉर मनी है, इसीलिए इसको मैं दूंगा 10 में से पूरे 6 मार्क्स। नेक्स्ट कंपनी की तरफ जाने से पहले अगला फ्लेवर हमारे गुड़गम का, वो है लेमन। इसको ट्राई करते हैं। इन दोनों में से मुझे ये वाला पसंद आया, मिंट वाला। स्ट्रॉबेरी वाला काफी बेकार था। इसको ट्राई करते हैं और ये सारा इस टी शर्ट पर डाल के देखते हैं। लेमन वाला काफी खट्टा है, काफी ज्यादा खट्टा है। वापस ये टी शर्ट की परीक्षा है, तेरे को डालने की जरूरत नहीं है, मैं डाल लेता हूँ। नहीं, मैं डालूंगा, निशाना काफी खराब है। अरे भाई, ओ गरम गरम। अब ये गीला होने लगा, इससे पहले गीला नहीं हुआ था। नेक्स्ट कंपनी है हनी ट्विक्स, ये बेचते हैं फ्लेवर्ड हनी
ऑथेंटिक हिमालयन हनी, 7% हनी ये यूज करते हैं और 40% हनी 20 के लिए छोड़ देते हैं। और सेकंड इनका क्लेम ये है कि 100% एंटीबायोटिक फ्री है और इंटरनेशनल लैब से इनको प्योरिटी की सर्टिफिकेट भी मिली है। अब ये सब तो कहने की चीजें हो गई, अब इनके फ्लेवर्स चेक करते हैं और इसका कॉम्पिटिशन हम लोग करेंगे डाबर के हनी के साथ। इस डब्बे में आते हैं टोटल 6 फ्लेवर और हर एक फ्लेवर के 6 ऐसे ट्यूब्स आते हैं, टोटल 36 ट्यूब्स। पहला फ्लेवर है हिमालयन हनी, दूसरा है सिनेमन इन्फ्यूज्ड हनी, तीसरा है लीची, चौथा है टर्मरिक यानी हल्दी, पांचवा है लेमन और आखिरी है वेनिला। एक ट्यूब 8 ग्राम का है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं हम लोग हनी में हल्दी मिला के, और इसका पर्पस मेरे को समझ में नहीं आया कि इसको क्या बच्चे जेब में लेके घूमे, ऑफिस जाते टाइम जेब में रख लो और निकाल के ऐसा 8 ग्राम हनी पी जाओ, या ये स्प्रेड के लिए यूज होता है कि ब्रेड में स्प्रेड कर दिए। और ये है हमारा हल्दी वाला हनी, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है, बेकार। शहद में तुम हल्दी मिला दो तो कैसा ही होगा। नेक्स्ट सिनेमन, ये और बेकार है। लेमन हनी, ये शहद खट्टा सा एकदम अजीब ही लग रहा है। लीची हनी, इससे उम्मीदें हैं कि अच्छा हो सकता है, दिस इज क्वाइट गुड, ये वाला अच्छा है। उसके बाद वेनिला, ये लीची से बेकार है, ये ऐसा लग रहा है वेनिला आइसक्रीम के ऊपर किसी ने हेड डाल दिया है। नॉर्मल हिमालयन हनी, उसको यहाँ पर रखते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं कि कैसा है। कहाँ से निकाला चम्मच ये वाला, पता नहीं पैकेजिंग की वजह से या दिमाग का खेल है, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मेरे को डाबर से। इनका बेस्ट मुझे फ्लेवर लगा है लीची, जो इसमें से किसी में खो चुका है। अब देखते हैं इसकी प्राइसिंग। ये 500 रुपये का डब्बा है, 36 ट्यूब्स है उसमें, टोटल 288 ग्राम का है, और उस हिसाब से 1 ग्राम का दाम है 1 रुपीज़ 73 पैसे, उस हिसाब से 0.84 पैसे पड़ते हैं इसका पर ग्राम। फ्लेवर और इसका यूज केस जो मुझे खास समझ में आया नहीं है, इसको देखते हुए इसको मैं दूंगा 10 में से पूरे 3 मार्क्स। नेक्स्ट कंपनी है हमारे पास टिगल, ये अलग अलग फ्लेवर्स में हॉट चॉकलेट बनाता है, जैसे कॉफी फ्लेवर्ड हॉट चॉकलेट, लाइट हॉट चॉकलेट, जैगरी हॉट चॉकलेट, हेजलनट हॉट चॉकलेट एंड डार्क हॉट चॉकलेट। तो इन सबको ट्राई करेंगे और इसे कंपेयर करेंगे हमारे कैडबरी के हॉट चॉकलेट के साथ और फिर इसे भी मार्क्स देंगे। सबसे पहला जैगरी वाला, पता चलेगा कि ये गुड़ वाला हॉट चॉकलेट है कि कॉफी वाला है कि डार्क हॉट चॉकलेट है, एक जैसा नहीं लगेगा। ये है डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, तो ब्लाइंड फोल्ड करता हूं मैं खुद को और इनको टेस्ट करता हूं, सिर्फ तेरे को पता रहेगा कि कौन से फ्लेवर का है। मैं देखता हूं मुझे डिफरेंस पता चलता है कि नहीं चलता है। अबे ये कैडबरी है, ओके डार्क, नहीं नहीं ये कॉफी यार, ये और पहला वाला सेम लग रहा है, ये और पहला वाला एक बार देखिएगा, सेम ही लग रहा है। कैडबरी हेजलनट, ये वाला हेजलनट ले ले, अच्छी भाई ये कते ए डार्क हेजलनट चबा रहा हूँ मैं, और भी है, ये कॉफी है, ये कॉफी है। अब कुछ नहीं समझ आ रहा अब मेरे को, पूरा सेम आ रहा है। क्या किया, एक भी सही बोला मैंने? हाँ कैडबरी वाला, हाँ पहला तूने गलत बताया था, डार्क चॉकलेट मैंने दिया था तेरे को तो तूने कैडबरी बोला, हाँ फिर जब कैडबरी वाला दिया तब तेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं कुछ तो गलत बोला तूने। हाँ लाओ लेट्स कंपेयर दाम, ये 180 रुपए का है 100 ग्राम का है, 230 रुपए 200 ग्राम, 180 रुपए 100 ग्राम, ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। इसको टी शर्ट में भी डालना है, बड़ा याद रखिए। दिस इज माई फेवरेट, आराम से गरम है जो जितना हम लोग इसमें डाले हैं, और ये भी वो वाले स्पॉट में आया जिसमें हम जहाँ पर रिपीटेडली हमने फेंका था, तो अभी तक तो अच्छा ही है, बस बसा रहा है ये टी शर्ट। नेक्स्ट कंपनी की तरफ जाने से पहले ये लास्ट फ्लेवर हमारे गुड़गम का, इसको हम लोग ट्राई करते हैं, रेस्पबेरी फ्लेवर, इसको ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी से बेटर है स्टिल, ये मिंट वाला मुझे बेस्ट लगा, रेस्पबेरी लेमन देन स्ट्रॉबेरी, ये मेरी प्रेफरेंस है। एक चीज, इसका फ्लेवर थोड़ी देर में ऑलमोस्ट 21 सेकंड में चला जा रहा है। अब बूमर को ट्राई करते हैं, इसमें शुगर होता है, शुगर फ्री नहीं है, बट इसका टेस्ट बचपन से हमें पता है। अब देखते हैं, बहुत टाइम बाद मैं भी खा रहा हूँ, तो बूमर को एंजॉय करते करते इसका मैं दाम बताता हूँ, 99 रुपीज का एक डब्बा, 100 रुपए में 15 पीस आ रहे हैं, मात्र 15 पीस, 6.5 रुपए का एक चिंगम, बूमर 1 रुपए का एक चिंगम। इसका एनवायरमेंट और हमारे हेल्थ पे अच्छा असर है, इसलिए इसको मैं दूंगा 10 में से 5 मार्क्स। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट निबलर्स के लॉलीपॉप एंड गमीज, इनके वेबसाइट में मुझे 3 प्रोडक्ट्स दिखे, एक चॉकलेट है, गमीज है और ये लॉलीपॉप है। ये 180 रुपए का है, 6 रुपए पर ग्राम, इसके अंदर 12 पीसेस हैं,
एंड ये 200 रुपए का है। तो सबसे पहले गमीज को ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी ऑरेंज मैंगो ब्लूबेरी। गमीज ठीक तो है, वीगन है, नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, प्लांट बेस्ड है, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड कलर, एंड दिस इज लॉलीपॉप। एप्पल ट्राई करता हूँ, स्वाद नहीं है। इसमें भी नो एडेड शुगर है क्या? नेचुरल फ्रूट फ्लेवर है और कलर भी नेचुरल है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। ये एक हेल्दियर अल्टरनेटिव है। इसको मैं दूंगा 10 में से 60 मार्क्स। अब बारी है सुशी और रामेन, जिनको बनने के लिए मैंने दिया था उनको लेके आने का। सबसे पहले बनाना है गोचू जंग सॉस। अबे ये कौन क्या है, ये रहा 10 ग्राम। उसके बाद सोया सॉस विनेगर के साथ, इतना विनेगर। इसमें वेजीज वगैरह नहीं वो कर रहा मैं, डब्बे में नहीं दियो, जितना दियो उसमें कैसा बनता है वो भी तो देखना है। ये बन गया है गोचुजांग सॉस। इसमें अपने को ब्रॉथ बनाना है। इसमें है ये रहा रामन ब्रॉथ पाउडर, बॉइल करते हुए डालना है इस ब्रॉथ में। उसके बाद सॉस में इसको मिला देते हैं एंड इसमें आएगा रामन अपना। अब इसके ऊपर अपने को कोरियन चिली थ्रेड्स और ड्रिजल ऑफ चिली ऑयल। ये है अपना चिली ऑयल। लेट्स सी कैसा बना। चॉपस्टिक यूज करना आता है क्या? मेरे को नहीं पता भाई, चॉपस्टिक कैसे पकड़ते हैं। स्वाद है भाई, स्वाद है बहुत ज्यादा। रामेन तो बहुत बढ़िया लगा, अब सुशी देखते हैं। मेरे को दुकान में जाके खाने में भी अच्छा नहीं लगता उतना। कौन से दुकान में तेरे को सुशी मिलती है? सुशी। अभी इसको कवर कैसा करूं? ये हो गया कवर। कम्बुचा जैसा स्मेल आ रहा है इसमें। भाई जितना मेहनत कर रहा हूँ ना सुशी बनाने में, ऐसा एक और बॉल बना के खा लूँ। सिराचा मेयो। भाई हो गया मेरा जापान आज पूरा निकल गया। अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। इसको रेटिंग देने से पहले ये टी शर्ट की बात कर लेते हैं। ये टी शर्ट बहुत ज्यादा विस्टेंड किया है, मेरे ख्याल से एक वॉश में ये सारा दाग चला जाएगा। तो इस टी शर्ट को मैं दूंगा 10 में से 8 मार्क्स। बस कलर के ऑप्शंस और थोड़ा डिजाइन ज्यादा हो जाए तो ऊपर चला जाए। और ये आज की हमारी सारी कंपनियों में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट निकला। इससे उम्मीद नहीं थी ये अच्छा निकला, उससे उम्मीद थी वो उम्मीद से ज्यादा अच्छा निकला। शेफलिंग कंपनी को मैं दूंगा 9 मार्क्स। अगर वेजीज वगैरह भी कुछ ऐसा फ्रोजन करके दे दें तो बेटर है, क्योंकि दुकान जाकर खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। बाय।